हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। तो दोस्तों देखिए, आज हमारे पास है वन प्लस बड्स प्रो। तो दोस्तों ये हमारे पास आया है ठीक होने के लिए, कोरियर आया था जो कि जयपुर राजस्थान से। आपको मैंने आपको पिछली वीडियो में दिखाया होगा, जो इससे पहले वीडियो बना के दी थी, ये कोरियर हमारे पास कहाँ से आया, किस भाई ने भेजा है, जो अनमोल भाई ने भेजा था। तो इसमें प्रॉब्लम क्या थी, जो इसके ये बड्स है दोस्तों, देखिए इनमें प्रॉब्लम है, इनकी बैटरी काफ़ी कम काम करती है। मतलब कि ये 5-7 मिनट चलेगा, 10 मिनट चलेगा, उसके बाद ये बंद हो जाएगा, बैटरी लो दिखा जाएगा। तो आज इस वीडियो में आपको दिखाने वाले हैं कैसे इसको खोल सकते हैं और कैसे इसकी बैटरी को बिल्कुल सेफली चेंज कर सकते हैं। तो हर एक तरीका दिखाने वाले हैं आपको। तो आपको क्या करना है, वीडियो को लाइक कर देना है और चैनल को सब्सक्राइब कर देना है जिसने नहीं किया है। तो देखिए इसको करना क्या, खोलने से पहले हमें करना क्या पड़ेगा, इसको हमें करना पड़ेगा ऊपर से हीट, हल्का हल्का गर्म करना पड़ेगा। दोस्तों गर्म करने से क्या बेनिफिट मिलने वाला है हमें, दोस्तों गर्म करने से क्या होगा, जो इसके अंदर गम लगी होगी वो बिल्कुल नरम हो जाएगी, और नरम होने के कारण जब हम इसको खोल लेंगे तो बिल्कुल ही आराम से खुल जाएगा। दोस्तों अगर वैसे खोलते हैं तो वैसे खोलने पर क्या होगा कि इस पर काफ़ी सारे निशान पड़ जाएंगे और अंदर से खुल भी नहीं पाएगा। अगर खुल भी गया तो अंदर जो पत्ते हैं इसके अंदर, वो पत्ते कट जाएंगे, और पत्ते कटने से फिर ये ख़राब हो सकता है, फिर ये चलने में बिल्कुल काम नहीं करेगा। तो अब करना क्या है कि हमने इसको गर्म कर लिया दोस्तों, देखिए बिल्कुल यहाँ से। तो हमें करना क्या है, सर्जिकल ब्लेड लेना है। सर्जिकल ब्लेड लेके यहाँ पे इसका ज्वाइंट दिखेगा आपको हल्का हल्का, यहाँ पे लाइनिंग गई हुई है, वो ज्वाइंट होता है इसका, तो उस पर हमें ब्लेड रखना है। तो उसको ब्लेड को रख के हल्का हल्का नीचे दबाना है, और फिर थोड़ा आगे इसका रखा के फिर नीचे दबाना है। इसी तरह करते करते इसको चारों तरफ कर लेना है। तो चारों तरफ से ऐसे ही ब्लेड को दबाते चले जाएंगे तो इसका ज्वाइंट है ये थोड़ा अलग होना स्टार्ट हो जाएगा, ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसको जब तक ये ऐसे ही करना है आपको, जब तक ये चारों तरफ से ना हो जाए, तो एक ध्यान रखना है कि ब्लेड को एकदम अंदर नहीं लेके जाना। अगर बिल्कुल अंदर लेके चले गए तो इसके अंदर जो पत्ते होंगे वो ब्लेड उन पत्तों को काट देगा, तो जो स्पीकर चार्जिंग का, बैटरी का जो भी पत्ता है इसके अंदर, वो कट जाएगा और फिर ये काम नहीं करेगा। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। जब ये ज्वाइंट थोड़ा सा अलग हो जाए, यहाँ से खुल जाए, तो यहाँ पे फिर नाखून से इसको थोड़ा चारों तरफ से घुमाते चले जाएंगे, चारों तरफ से घुमाते चले जाएंगे, तो बिल्कुल ये आराम आराम से ऊपर की तरफ आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको ज़्यादा एकदम ज़ोर से नहीं खोलना है, क्योंकि इसके अंदर ऊपर से स्पीकर का और जो इसके चार्जिंग के पिनों का है वो पत्ता गया हुआ है, उसके वो पत्ता कटने से फिर इसका स्पीकर और चार्जिंग के पॉइंट ख़राब हो सकते हैं। तो इसको बिल्कुल ही सेफली खोलना होता है दोस्तों। जितने भी ये काफ़ी ब्रांडेड आते हैं, कंपनी के आते हैं, जो वन प्लस हो गए, रियलमी हो गए, इनके अंदर पत्ता सिस्टम होता है दोस्तों। आईफोन के जो ये एप्पल एयरपोर्ट्स आते हैं उनके अंदर भी पत्ता होता है। तो इनको बिल्कुल सेफली खोलना चाहिए, तो जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल देखिए, हमने बिल्कुल इसको आराम आराम से उठाया है। देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ से बिल्कुल पत्ता ही ज्वाइंट था। अगर अगर ब्लेड को हम एकदम अंदर की तरफ ले जाते हैं तो इसका पत्ता कट सकता था, अगर एकदम इसको उठाने की कोशिश कर सकते तो भी पत्ता टूट सकता था, तो दोनों ही कंडीशन में टूट सकता था। इसको बिल्कुल हमने इसको हिट किया, हिट करने से इसको बिल्कुल आराम आराम से इसको ब्लेड से थोड़ा थोड़ा खोला, और फिर इसको हाथों के साथ, नाखून के साथ इसको बिल्कुल ही सेफली इसको अलग कर लिया है। तो अब करना है क्या, देखिए यहाँ पे एक टेप लगी हुई है इसके कागज़ की, इसको उतार लेंगे। तो इसको उतारने के बाद देखिए इसके नीचे काफ़ी सारी गमें हैं, इनको हमें गम को साफ़ करना पड़ेगा। तो अच्छी तरह इसको साफ़ कर लेंगे, देखिए यहाँ से भी आपको दिख रहा होगा गम, तो इस गम को साफ़ करना, और साइडों में भी गम है उनको भी साफ़ करना पड़ेगा। जितनी भी इसके अंदर गम साफ़ करनी पड़ेगी तभी जाके इसकी प्लेट को निकाल सकते हैं, फिर बैटरी को चेंज कर सकते हैं। तो इसके ऊपर जितनी भी गम है इनको बिल्कुल सेफली निकालना है। तो यहाँ पे आपको प्रॉब्लम आने वाली है, क्योंकि जब आप इसको साफ़ करोगे तो इसकी गम में बिल्कुल भी साफ़ नहीं हो पाएगी, बिल्कुल काफ़ी जोर लगेगा साफ़ करने में। और फिर क्या होगा, जब इसको साफ़ करोगे तो पत्ता है जो स्पीकर का है, इसकी प्रॉब्लम हो सकती है, टूटने का डर बना रहता है। तो इसको भी सेफली हमें करना है, निकालना है यहाँ से। तो इसको फटाफट निकाल के दिखाते हैं आपको कैसे निकाल सकते हैं इसमें से। तो उस तरह ही आप भी इसको खोल के निकाल सकते हैं। तो आपको पहले वीडियो कम्प्लीट देखनी है, उसके बाद ही कोई वर्क करना है दोस्तों। तो रिक्स नहीं लेना है, क्योंकि बैटरी वगैरह तो आराम से चेंज हो जाती है, अगर ये पत्ते वगैरह अगर टूट जाएगा तो फिर लगाना मुश्किल हो जाता है, जम्पर वगैरह लगा के चला जाते हैं। लेकिन इसमें क्या है कि कनेक्टर वगैरह है काफ़ी पतले दे रखे हैं, तो उसके कारण कि इसमें जम्पर भी लगाना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो अब हमें करना क्या है कि देखिए इसको सेफली हमें यहाँ से निकालना है, जैसे कि हमने आपको बताया इसकी गम निकालनी है। तो अगर इसके बाद क्या करना है, इस पर अगर गम हल्के हल्के निकलने स्टार्ट हो जाए तो ठीक है, अगर ना निकले तो इस पर हमें हीट करना है हल्का हल्का। हीट करने से क्या है कि इसकी जो अंदर की गम सिलिकॉन लगा रखा है ये नरम हो जाएगा, तो फिर टूटना भी स्टार्ट हो जाएगा। और इसका एक कनेक्टर है, इसको बिल्कुल सेफली निकाल लेंगे यहाँ से, जितनी गम होगी उसको उतारते जाएंगे और इसको फिर देखेंगे कनेक्टर हिलना स्टार्ट हो जाते हैं। कनेक्टर के यहाँ से इसके बीच में कनेक्टर है जो, इसको बिल्कुल आराम से इसको ऊपर की तरफ उठाएंगे। तो इसमें आपको ज़्यादा जोर नहीं लगाना, अगर ज़्यादा जोर लगाओगे तो कनेक्टर टूट सकता है, तो वहाँ पे फिर वही प्रॉब्लम है, स्पीकर वगैरह काम नहीं करेगा। तो इस कनेक्टर को बिल्कुल सेफली इसके ऊपर की तरफ उठा लेंगे, क्योंकि हमने इस पर हिट किया था, हिट करने से जो गम वगैरह लगी होगी वो नरम होगी है, तो कनेक्टर बिल्कुल आराम से निकल जाएगा बाहर। देखिए यहाँ से अलग हो चुका है, ये बिल्कुल निकल चुका है। तो यहाँ पर एक टेप लगी हुई है, इसको भी उतार के अलग कर लेंगे, ऐसे हल्का खींच लेंगे
तो ये बिल्कुल आराम से यहाँ से अलग हो जाएगी, क्योंकि जो इसकी गम लगी हुई थी उसके साथ ही चिपकी हुई थी। तो अब देखिए स्पीकर बिल्कुल सेफली बाहर आ चुका है, पत्ते को हमने बिल्कुल अलग कर लिया है यहाँ से। तो अब इसको करना है कि यहाँ पे आपको काफ़ी सारी इसकी साइडों में गम लगी हुई है देखिए, तो इस गम को बिल्कुल यहाँ से अलग कर लेना है। जब इसको अलग कर लोगे तभी ये प्लेट बाहर आएगी, लेकिन इसको अलग करते हुए आपको ध्यान रखना है इसमें बिल्कुल छोटे छोटे कंपोनेंट है दोस्तों, बिल्कुल वो लगाने बिल्कुल मुश्किल होते हैं, माइक्रोस्कोप वगैरह से लगते हैं। तो उस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि वो उनमें से कोई भी एक भी ना टूटना पाए। तो इसको बिल्कुल आराम आराम से इसको रिमूव करना है यहाँ से। अगर ज़्यादा जल्दबाजी करोगे और चिमटे से ज़्यादा इसमें धक्का करोगे तो इसके पॉइंट हैं वो टूट सकते हैं, तो यहाँ से आपको बिल्कुल ध्यान रखना है। तो बिल्कुल आराम आराम से इसको अलग करना है हाथों से चिमटे से जितना हो सके। तो इस पर फिर हीट वगैरह करेंगे, अगर इससे ना उतरे तो हल्की हल्की हीट करते रहेंगे तो पेस्ट है जो नरम होनी स्टार्ट हो जाएगी। तो उसको फिर बिल्कुल आराम से हम इसको कर सकते हैं अलग। तो इसको करते हैं, निकालते हैं यहाँ से बाहर। कैसे निकालेंगे तो इसके लिए आपको वीडियो देखनी पड़ेगी किस तरह निकलेगा। तो इस तरह हमें हिट करते रहने पड़ेगी इसको बार बार, जिससे कि इसकी गम है नरम होनी स्टार्ट हो जाएगी। और फिर प्लेट है हम बिल्कुल बाहर निकाल के दिखाएंगे आपको किस तरह प्लेट को बाहर निकालेंगे और किस तरह इसको ठीक करेंगे। तो हमने जो एक पहले वीडियो बनाई थी दोस्तों, उस वीडियो के कारण ही हमारे पास ये ठीक होने के लिए आने लगे हैं, क्योंकि जो हमारे पास वो पहले एक बंदे ने हमारी वीडियो देखी थी, तो उसने तमिलनाडु से वो वीडियो देख रहा था तो उसको ये ठीक लगी, तो उसने हमारे पास भेजा। तो फिर हमने बोला बिल्कुल भाई ठीक करेंगे, तो हमने उसके बर्ड्स की वीडियो बनाई थी। तो उसके बाद हमारे पास ये कई फ़ोन आ चुके हैं इस चीज़ के लिए कि जिनके पास सेम यही मॉडल है और उनमें सेम यही प्रॉब्लम है कि उनकी बैटरी है ख़राब हो चुकी है, तो ये बैटरी चेंज करनी पड़ेगी। तो एक तो हमारे पास आ चुका है ये जो कि जयपुर से आया है, तो एक और शायद हमारे पास फ़ोन आया था, वो शायद आया था कहाँ से, बंगलोर वगैरह साइड से आया था दोस्तों। तो वो भी आएगा तो उसकी भी आपको वीडियो बना के देंगे कि किस तरह उसको ठीक करेंगे। तो उससे क्या है कि एक तो प्रैक्टिस होती चली जाएगी किस तरह हम खोल रहे हैं अलग अलग तरीके से, तो उसको आपको देखना है और सीखना है। तो अब देखिए हमने इस पर हिट किया, तो हमने बिल्कुल ब्लेड को यहाँ पर लगाया साइड में डाला, तो ये जो ब्लेड है बिल्कुल एकदम नीचे की तरफ नहीं लेके जाना, क्योंकि नीचे बैटरी भी हो सकती है और तो इसके कंपोनेंट भी हो सकते हैं। ब्लेड जब उसका जोर पड़ेगा ब्लेड का तो उसके कंपोनेंट टूट सकते हैं, तो यहाँ पर आपको बिल्कुल ध्यान से इसको निकालना है। तो इस पर देखिए अगर ना निकल पाए तो दोबारा फिर हल्की हीट कर लेना, क्योंकि साथ के साथ ही ठंडा होना स्टार्ट हो जाता है। तो इस पर हल्की हीट करेंगे और फिर इसको थोड़ा प्लेट को बाहर की तरफ निकालने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह एक टाइम में देखिए बिल्कुल आराम से निकल जाएगी प्लेट, तो एकदम नहीं निकालना है, थोड़ा थोड़ा करके निकालना है, थोड़ा थोड़ा उठाना है, ताकि कोई भी कंपोनेंट अगर काफ़ी हार्डली चिपके हों तो वो ना टूट पाएँ। तो इनको बिल्कुल ही सही तरह इनको निकालना है देखिए। तो ये काफ़ी आधी तक प्लेट हो चुकी है, तो इसको थोड़ा अगर आपको लगे कि इसमें थोड़ी अभी भी है इसको गर्म करने की जगह, तो इसको गर्म कर सकते हैं, क्योंकि नीचे की तरफ भी चिपका हुआ है। तो एक ये वायर भी एंटीने वाले वायर है, ये भी टूट सकता है, तो इसका भी हमें ध्यान रखना है, बिल्कुल सेफली निकालना है, क्योंकि हमें कोई भी चीज़ तोड़नी नहीं है, इसको ठीक करना है। तो टाइम चाहे जितना मर्जी लग जाए लेकिन बिल्कुल सेफली खोलना है चीज़ को, क्योंकि एक बार वो सेफ खुल गई तो उसके बाद फिटिंग करना बिल्कुल आसान हो जाता है। तो देखिए इस तरह हमने इसकी प्लेट को बाहर निकाल लिया है यहाँ पे, और इसका ये भी केस है जो कि अलग हो चुका है। तो इसके पीछे देखिए बैटरी बिल्कुल गोल है, बैटरी इसके अंदर छोटी सी बैटरी है दोस्तों इसका। जब तक ये चलते हैं 6 महीने साल चलते हैं, तब तक ये बढ़िया चलते हैं, बढ़िया बैटरी पैकअप आता है, लेकिन उसके बाद इनकी बैटरियाँ हैं वीक होनी स्टार्ट हो जाती है। जिससे पहले हमारे पास आया था उसकी भी सेम यही प्रॉब्लम थी, तो उसमें हमने इसकी बैटरी चेंज की थी। तो अब ये बैटरी डालने वाले इसमें देखिए टूलिप की, जो कि इससे थोड़ा साइज़ भी बड़ा होगा हल्का सा, और इसकी पावर भी ज़्यादा है और ये चलती भी काफ़ी अच्छी है, क्योंकि हमने अभी तक जितने भी बर्ड्स ठीक किए हैं तकरीबन हमने ये टूलिप की ही बैटरी डाली है, जिनसे कि इनका बैटरी पैकअप ठीक हो जाता है दोस्तों। तो अब देखिए इसका करना क्या है, तो यहाँ से इसकी बैटरी को हमें हटाना है। उससे पहले हमें करना क्या है, इसके साइडों में जितनी गम लगी हुई है इनको बिल्कुल आराम आराम से इनको रिमूव करना है। यहाँ पे आपको दिख भी रहेंगे छोटे छोटे कंपोनेंट है, तो इनसे भी ये काफ़ी चिपके हो सकते हैं। तो आपको इस पर हल्के हल्के हीट कर लेनी है, हीट करने के बाद इसको बिल्कुल यहाँ से अलग कर लेना है। अलग करने का बेनिफिट क्या होगा कि ये बिल्कुल उसमें केस में बिल्कुल जो इसकी डिब्बी थी उसमें बिल्कुल फिट हो पाएगा। तो अब इसका करना क्या है कि हमें इसकी बैटरी है यहाँ से इसको हटाना है। तो बैटरी भी इसके पत्ते सिस्टम से बना रखी है, पत्ता लगा रखा है इसमें, तो आपको दो पॉइंट दिख रहे होंगे। तो बैटरी को नीचे से हल्का हिट करके बैटरी को नीचे से उठा लेंगे, उठाने के बाद ये बैटरी आपकी आ चुकी है इस साइड। तो अब करना क्या है देखिए, इसमें यहाँ पे दो पॉइंट दे रखे हैं, तो एक प्लस का एक माइनस का, एक पत्ते से अटैच चाहिए। तो फिर पत्तों को यहाँ से अलग कर लेंगे बिल्कुल। तो इस तरह देखिए हमने इसको पकड़ के अलग कर लेंगे यहाँ से, तो इसको ऐसे पकड़ेंगे और इसको यहाँ पे काबिया से लगाएंगे। तो आपको ध्यान रखना है काबिया ज़्यादा इधर ना हो, क्योंकि छोटे पॉइंट हैं इसके काफ़ी, और वो जब वो टूट जाएंगे तो उसका पता भी नहीं लगना कि वो टूट चुके हैं। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है।
तो इस तरह देखिए बैटरी को हमने बिल्कुल यहाँ से रिमूव कर लिया, तो बैटरी ऐसे अलग हो चुकी है। अब दूसरी बैटरी सेम क्या करना है, इसके पीछे लगा लेना है और प्लस माइनस हमें चेक करना है। प्लस माइनस के हिसाब से आप इसको लगा सकते हैं, क्योंकि इसमें प्लेट में लिखा भी होगा, देखिए यहाँ पे इसके नीचे ये वाला प्लस, ये माइनस का, ये ऊपर वाला प्लस का यहाँ पर निशान है जो, तो यहाँ पर प्लस की लग जाएगी वायर और इस साइड माइनस की लग जाएगी। तो इसमें फटाफट बैटरी लगा के दिखाते हैं किस तरह आपको लगानी है। तो देखिए यहाँ पर हमने बैटरी को लगा लिया है, यहाँ पर तो हमने लगाई है यहाँ पर जम्पर वायर। जम्पर वायर क्यों लिया, जम्पर वायर वैसे मजबूत होती है दोस्तों काफ़ी, और ये वो काफ़ी पतली भी होती है, तो इसमें फिटिंग बिल्कुल सही तरह आ जाएगी। तो देखिए आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, तो प्लस वाली से प्लस के लगा दी और माइनस से माइनस के लगा दी, उसके हिसाब से आपको फिटिंग कर लेनी है। अगर ना समझ आए तो मुझे कमेंट भी कर सकते हैं, मैं आपको कमेंट में भी काफ़ी सारी हेल्प करता हूँ आपकी। तो अब यहाँ से देखिए इसको भी हमने काफ़ी सारा साफ़ कर लिया, अंदर से जितनी गम थी वो निकाल ली है। अब प्लेट को सिंपली निकालना है, जिस तरह हमने इसको निकाला था वैसे ही डाल देंगे। निकालना काफ़ी मुश्किल था लेकिन डालना आसान है, क्योंकि जितनी गम लगी हुई थी वो सारी गम हमने इसमें निकाल दी है, सही तरह अच्छी तरह गम निकल चुकी है। इसके कारण क्या है, प्लेट की फिटिंग बिल्कुल सही तरह आएगी। देखिए तो पहले गम लगी हुई थी, डालना कितना मुश्किल था, बिल्कुल इसमें आराम से आ चुकी है। तो इसको अच्छी तरह फिटिंग कर लेंगे, उसको हल्का सा दबा लेंगे, दबाते ही आपको थोड़ी सी टक के बाद आएगी कि इसमें बिल्कुल यहाँ पे इसके जो इसमें फिट हो चुकी है। उसके बाद ये कनेक्टर हैं, जितने इनको कनेक्टर को बिल्कुल सेफली फिट करना है, तो इनके पॉइंट नीचे वाले कनेक्टर के ऊपर के हिसाब से बिल्कुल इसको जब ये प्रॉपर उसमें आ जाए तो इसको दबा देना नीचे, तो बिल्कुल लॉक लग जाएगा और फिट हो जाएगा। तो उसके बाद ये देखिए यहाँ पर एक वायर दे रखी है, तो इस वायर को यहाँ पर लगा लेंगे अच्छी तरह। तो इसके जो यहाँ पे इसको सेम यही है, जो इसका कनेक्टर है नीचे, उस कनेक्टर के हिसाब से लगाना है। तो इसके कनेक्टर को बिल्कुल ऊपर आएगी तभी इसको दबाना है दोस्तों, तो अगर वैसे ही दबाओगे तो ये टूट सकता है, टूटने के बाद काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसको बिल्कुल सेफली जो कि आपको नीचे वाला पॉइंट दिख रहा है इसके ऊपर लगा के बिल्कुल फिर दबाना है, तो बिल्कुल ही फिट हो जाएगा यहाँ पर। तो अब हमें करना क्या है दोस्तों, इसको एकदम नहीं अच्छा मजबूती से चिपकाना है, पहले इसको हमें एक बार चेक करना है जिस तरह की ये लगा लेना है। और ये लगाने से पहले आपको करना क्या है, तो एक बार इसके कनेक्टर वगैरह से भी साफ़ कर लेना है। देखिए कनेक्टर वगैरह क्यों साफ़ करना है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हल्का फुल्का जो गम उतारते हैं तो इन कनेक्टर के अंदर घुस जाती है, तो उसको भी साफ़ कर लेना है। जैसे कि इस कनेक्टर में दिख रही है हमें हल्की सी गम गई हुई, तो देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा निचली साइड में थोड़ी सी हल्की सी गम गई है दो तीन पॉइंटों पर, तो इनको अच्छी तरह साफ़ कर लेंगे ब्रश से ताकि बिल्कुल साफ़ हो जाए। अब इस कनेक्टर के सेम इसके ऊपर लगाना है, इसको ऊपर यहाँ पे रखेंगे और इसको दबाएंगे और दबाते ये लग जाएगा। और लगाना बिल्कुल प्रॉपर तरीके से है, थोड़ा बहुत भी इधर उधर होगा तो कनेक्टर टूट जाएगा, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। तो कोई भी चीज़ हमें तोड़नी नहीं है, बिल्कुल सेफली इसको खोलना है और सेफली फिट करना है। तो ये देखिए कनेक्टर यहाँ पर लग चुका है और इसको देखिए बिल्कुल इस तरह फिट कर दिया है इनको। तो अब ये पता भी लगेगा दोस्तों खुला था नहीं खुला था, क्योंकि इसके अंदर जितनी गम थी हमने पहले उस गम को साफ़ किया है, गम को साफ़ करने के कारण इसी तरह इसकी फिटिंग हो पाई है। तो अभी फिट हो चुका है दोस्तों, इस तरह इस तरीके से बैटरी डल सकती है। और इसमें एक बैटरी डाउन थी है, इसमें लगा के देख लेते हैं। देखिए तो यहाँ पे हमने बैटरी लगाई है, तो यह रेड कलर की दिखा चुका है, तो मतलब बैटरी डाउन है और ये चार्ज भी होने लगी है, तो थोड़ी देर में चार्ज हो जाएगा। और दूसरे वाले को सेम इसी तरीके से खोलना है और इसी तरीके से बैटरी को चेंज करना है। अगर उसकी भी मैं खोल के बैटरी दिखाता आपको किस तरह खोलना है उसको भी, तो इसमें वीडियो आपकी आधे घंटे से भी ज़्यादा बन जाती, तो इसलिए हमने खाली एक बर्स की दिखाई है कि इसको कैसे खोलना है और कैसे इसकी बैटरी को चेंज करना है। तो अब देखिए उसकी बैटरी इसके लिए डाउन थी, क्योंकि जो नई बैटरी थी वो डाउन थी, 2 वोल्ट के करीब थी बैटरी में, 3.5 वोल्ट करीब होना चाहिए जब ये फुल चार्ज होती है। तो इसके बाद देखिए हमने क्या किया, ये यहाँ पे लगा निकाल लिया, इसको लगा लेंगे फिट कर लेंगे। तो दूसरे वाले को भी इसी तरह खोल कर चेक कर लेंगे। बाकी आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट करके बताना, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जिसने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा लें ताकि आपको हर एक वीडियो की जानकारी मिलती रहे दोस्तों, क्योंकि मैं आपके लिए ऐसी वीडियो लेकर आता रहता हूँ जिससे आपको काफ़ी सारे बेनिफिट मिलते हैं और आपकी ख़राब चीज़ें ठीक हो सकती हैं। आप खुद से भी कर सकते हैं, वीडियो कम्प्लीट देखेंगे तो खुद से कर सकते हैं, अगर ना हो तो आप मुझे कोरियर कर सकते हैं, मैं कोरियर के द्वारा भी आपकी चीज़ों को ठीक करूंगा और फिर आपके पास रिटर्न कोरियर करूंगा। और हाँ वीडियो जरूर बना के दूंगा कि उसके अंदर क्या प्रॉब्लम थी, क्या डला है क्या नहीं डला दोस्तों। तो मिलते हैं कल को नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।